जस्ट अनदर डे एट आमनगर, जहां ओनली आम थिंग्स हैपन। मिलिए नादान जी से, हु लव्स आम एंड हिज आमदनी। तभी उनको आया एक अनएक्सपेक्टेड कॉल। हेलो सर जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बजाज फाइनेंस। वी हैव अ लोन ऑफर सिर्फ आपके लिए। ओह वाओ, क्या टाइमिंग है। आई वाज लुकिंग फॉर अ होम लोन। दिस मस्ट बी किस्मत। कैन यू टेल मी मोर? ओके सर। तुरंत कॉलर ने प्रेजेंट किया एक ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर कि नादान जी और इंटरेस्टेड हो गए। सर, कैन यू सेंड योर आधार कार्ड, पेन, एड्रेस प्रूफ इमेजेस ऑन व्हाट्सएप फॉर लोन सैंक्शनिंग? हाँ हाँ। कॉलर ने भेजा एक फेक बजाज फाइनेंस एम्प्लॉय आईडी और जीत गया नादान जी का कॉन्फिडेंस। बस ऑलमोस्ट हो गया सर। अब आपको करना होगा डिपॉजिट प्रोसेसिंग फी हमारे बैंक अकाउंट में। और चिंता ना करें, ये अमाउंट रिफंडेबल है। दिस इज द लोन प्रोसेसिंग फी। यस। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थोड़ी ही देर में यू विल गेट योर डिटेल्स ऑन योर न्यू लोन। असलियत से अनजान उड़ गए नादान जी के होश जब उन्हें आया एक SMS। The amount has been deducted, लेकिन कोई लोन प्रोसेस नहीं हुआ। And just like that, his arm day had a very bad anjaam. So don't be so anjaan like Mr. Nadan. Eat some badam and listen carefully. हमेशा रहो अवेयर एंड अलर्ट। फ्रॉडस्टर्स और बजाज फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच अंतर करने की कोशिश करें। बजाज फाइनेंस और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं मांगते आपका लोन प्रोसेस करने के लिए, और ना ही कॉल करते हैं आपके OTP, कार्ड डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे स्कैम्स को एंड करना है, बस एक कंप्लेंट दर्ज करना है। रेज अ रिक्वेस्ट ऑन द एक्सपीरिया ऐप। सावधान रहें, सेफ रहें।